तो आज के हमारी आज क्लासेस में हम बात करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ के बारे में कि नेस्टेड इफ हम कैसे लगाएंगे। हमने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में जब आपके पास मोर देन वन कंडीशन है तो आप एंड और ऑर का इस्तेमाल करेंगे, राइट? यस सर। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 80 है, ग्रेटर देन 85 लेस देन 95 के बीच में हो तो हमें मान लीजिए कि 800 देना है। इसके लिए हमने इफ फॉर्मूला इस्तेमाल किया था कि इफ के साथ हमने एंड का इस्तेमाल किया था, राइट सर? एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 और हमने कर दिया इसको लेस देन इक्वल टू 95 और यहां पे हमने 800 कर दिया, अदरवाइज 0 कर दिया। लेकिन इसको बगैर एंड इफ एंड का कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए इफ फॉर्मूला लगाया कि इफ, क्योंकि एक इफ एक कंडीशन, तो जितने कंडीशन उतने इफ। इसमें कितने कंडीशन है? दो कंडीशन है तो दो इफ लगेगा कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 85 और फिर थर्ड इफ लगेगा कि इफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 95 तो 800 अदरवाइज 0 और फिर यहाँ पे कॉमा 0। तो एक इफ, पहला इफ चेक करेगा कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है तभी वो सेकंड इफ को फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज वो सीधे 0 देके वापस निकल जाएगा क्योंकि एल्स पार्ट यहाँ पे है इसका, ठीक है सर? और उसके बाद अगला जो अगला पार्ट आता है इसमें वो देख लीजिए, अगर सेकेंड इफ चेक करेगा क्या है लेस देन 95 है तो 800 देगा अदरवाइज यहाँ पे ऑल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस इफ के ट्रू पार्ट में ये आपका सेकेंड इफ है और फॉल्स पार्ट हमने यहाँ दिया हुआ है, राइट? और सेम इफ के ट्रू पार्ट में हमारा 800 है और फॉल्स पार्ट ए है, जितने इफ उतने ट्रू पार्ट और उतने फॉल्स पार्ट लगेगा इसमें। अगर सर जरूरत में, हेलो, हाँ सर बोलिए। हाँ सर, अगर जैसे तीसरी कंडीशन में लगानी हो तो दूसरे इफ के अंदर जो ट्रू वाली वैल्यू है उसमें इफ लगा देंगे एक बार ही और। हाँ हाँ, चलिए आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों करेंगे, जो हमारे पास सिंपल एंड और है तो हम के इसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशन क्यों करेंगे, ये क्वेश्चन क्या आता है। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन करने की है कि आप एंड का यूज या और का यूज तभी कर सकते हैं जब आपके पास कई सारे कंडीशंस के कई सारे एक रिजल्ट्स है। जैसे कि मैं सारे चेक को सिलेक्ट करने के बाद जब पास को करना है, इसमें हमारे पास कंडीशन कई सारे हैं लेकिन रिजल्ट एक है पास, क्या सर? या फिर देखिए ना सर, तो यहाँ भी एंड लगा देंगे। लेकिन मान लीजिए कि हमें ये भी दिखाना है कि इस सब्जेक्ट में फेल हुआ है, सब्जेक्ट वन फेल, सब्जेक्ट टू फेल, सब्जेक्ट थ्री फेल। यहाँ पे क्या है कि हर कंडीशन के लिए हमारे पास रिजल्ट अलग अलग है। मेरे पास कई सारे कंडीशंस है तो उनके अलग अलग रिजल्ट भी है। यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते क्योंकि एंड कई सारे कंडीशन पे एक रिजल्ट के लिए तो आपके बैकग्राउंड से बहुत शोर आ रहा है सर उसी जी। तो उस केस में क्या करेंगे, यहां पे हम इफ का नेस्टेड इफ लगाएंगे। पहले फर्स्ट इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर सेकेंड इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30, देन थर्ड इफ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू greater than equal to 30, फिर if इसको select किया greater than equal to 30, ठीक है?
फिर यहां पे थर्ड इफ होगा, सॉरी हमने सारे इफ दे दिया, इज तक दे दिया, इसके बाद यहां पे हम देंगे पास, क्योंकि इसे पास करने की पॉसिबिलिटी एक है, फिर यहां पे देंगे सब्जेक्ट फोर फेल। तो हमारा हर इफ का ट्रू पार्ट तो हो गया, मुझे हर इफ का फॉल्स पार्ट करना है यहां पे कि एस थ्री फेल कॉमा एस फोर फेल कॉमा एस फोर डी एस टू हो गया यहां पे, और यहां पे एस वन फेल। ठीक है सर, हेलो। हाँ जी सर, एक बार ये थोड़ा सा लास्ट वाला थोड़ा बताएंगे दोबारा से, S3 फेल से आप कैसे लिखे हैं? मतलब समझाने क्या बोल रहे हैं लास्ट वाला? देखिए क्या है सर, सिंपल सी बात है ना कि हमें सारे कंडीशन चेक करने के बाद रिजल्ट ट्रू देना है, हमें सारे कंडीशन चेक करने के बाद रिजल्ट हमें ट्रू देना है। सॉरी सर मोरम भी स्टार्ट हो गया सर, मैं बोला था कि देखिए आप सिंपल सा है, पहले एक इफ डाला उसके अंदर हमने दूसरा इफ डाला, फिर तीसरा इफ डाला, फिर चौथा इफ डाला, मतलब कि अगर एक सही हुआ तो दूसरे को फॉरवर्ड करेगा, अगर नहीं है तो लास्ट वाले को फॉरवर्ड करेगा, फिर सेम दूसरा अगर ग्रेटर देन 33 है तो तीसरे को फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज एस टू फेल लिखेगा, फिर सेम चौथा तीसरा चौथे को ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा, चौथे को अगर 33 मतलब चौथे तक पहुंच गया मतलब कि सारा सब्जेक्ट ग्रेटर देन 30 है तो यहाँ पे पास आएगा, अदरवाइज सब्जेक्ट फोर फेल आएगा। तो जैसे मैं यहां से ट्रू पार्ट देता गया सेम उसके बाद हम फॉल्स पार्ट देते चलेंगे। ठीक है सर, ओके सर। सर अगर इसमें ऐसा हुआ कि वो एस टू में पास है, नहीं सॉरी एस टू में फेल है बट एस फोर में पास है वो, तो ये एस टू को ही आगे जाएगा ही नहीं, फिर तो ये एस टू फेल दिखा देगा तो मैं आगे पे। सर इसमें चेक करना है कि चारों सब्जेक्ट पास होगा, चारों सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 33 होगा तभी पास दिखेगा, तो ऐसे तो और वाला कंडीशन हो गया ना। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए आपका जो बात कर रहा है, बात कर लेते हैं हम कि नहीं, अब यहाँ पे पैन नंबर है, डीएल है, वोटर है एंड पास। अब किसी एक में भी हो तो स्टेटस ओके होना चाहिए, इसके लिए हमने और लगाया था, यही पे आप इफ लगा दे कि इफ अगर ए इक्वल टू वाई है तो यहाँ पे ओके कर दे, इसमें क्या कोई एक भी मिल जाए तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, जिसको पहला ही मिल गया ओके दो और सारे सबको हटा दो। तो यहाँ भी क्या हुआ, इससे पहले एंड में हमने क्या किया था कि हर दूसरा इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में था, अब यहाँ पे क्या है कि हर इफ दूसरे इफ के फॉल्स पार्ट में। ठीक है, इक्वल टू वाई देन इफ दैट इज इक्वल टू वाई ओके, फिर ऐसे ही आप करते चले जाइए। अब इसमें पेंडिंग होने के चांसेस एक ही है तो ओके, अदरवाइज पेंडिंग, और लास्ट में ब्रैकेट कई सारे लगते हैं तो दिक्कत नहीं, आप में एंटर मार दीजिए खुद ब खुद क्लोज कर देगा। अब मैं यहां पे वाई कर दूं तो ओके आएगा। ठीक है जी सर, तो सर ऊपर वाली कंडीशन में हम एंड का भी यूज कर सकते हैं ऐसे तो सिंपली? हाँ नहीं एंड नहीं,
हमें हर बार रिजल्ट अलग चाहिए ना सर, एंड यूज करेंगे तो फिर कैसे हमारा रिजल्ट अलग देंगे, सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट फोर। ओके ओके, हमने आपको बताया था कि हम एंड कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे एक कई सारे कंडीशन पे रिजल्ट एक हो, ध्यान से सुनिए सर, वहां पे एंड यूज करेंगे, लेकिन कई सारे कंडीशन है और कई सारे रिजल्ट है तो एंड यूज नहीं होगा, समझ गए। और सेम यहाँ भी होगा कि अलग अलग हो तो अलग अलग कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे एंड और मिक्स करना हो तो वाई पेन नंबर से कंपल्सरी और इसमें से कोई एक होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम उस मेथड को मिक्स करने के लिए क्या करेंगे, इफ का फॉर्मूला देंगे, इफ दैट इज इक्वल टू वाई, उसके बाद वो सेकेंड इफ चले कि दैट इज इक्वल टू वाई, अगर ऐसा है तो ओके कर दे, थर्ड इफ दैट इज इक्वल टू वाई, ऐसा है तो ओके कर दे, इक्वल टू वाई। Otherwise, pending. अब यहां पे मुझे ए इफ क्लोज हुआ, ए इफ क्लोज हुआ, हाँ, इसके बाद यहां पे मुझे देना पड़ेगा पेंडिंग, क्यों, क्योंकि ये तीन इफ जो है ए इफ टू पार्ट पे डले हुए, मतलब कि अगर बी 14 पे वाई हुआ तो फिर वो इस इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे पेंडिंग करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है सर। और दूसरा कि अगर इसमें चेक किया अगर वाई हो, क्योंकि ये पैन नंबर वाई होगा उसी के बाद ही ये इफ पे काम आएगा, तो अगर चेक करेगा वाई है तो ओके दे देगा, फिर चेक करेगा वाई है तो ओके, वाई है तो ओके, नहीं तो पेंडिंग। फिर तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तो मैं फाइल आपको भेज रहा हूं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल में, सर कोई बड़ी चीज नहीं है, बस मेथड समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं फाइल क्लियर कर देता हूँ आपको, राइट सर।